गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। लास्ट सेट नंबर वन में हमने देखा था पजल्स और उसके साथ में इनपुट आउटपुट के कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपके कमेंट सेक्शन भी चेक किए, काफ़ी सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। गुड, ये एक अच्छी बात है। और जिनसे नहीं हुआ है वो ट्राई करें, क्योंकि बहुत कम बच्चे मुझे ऐसे दिखे जिन्होंने ये कहा कि सर बहुत हम तो सेट नंबर टू नहीं हुआ, या फिर आप सेट नंबर टू बता दीजिए। ज़्यादातर बच्चों ने आंसर दे दिया था। ठीक है, तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन था जो सीक्वेंशियल पजल की कैटेगरी में आता है। जनरली ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, या तो फ्लोर की फॉर्म में आ जाता है, या मंथ्स की फॉर्म में आ जाता है, या डेज की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे करते रहेंगे अलग अलग कैटेगरी में। इनपुट आउटपुट के सेट भी हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी में आता है, हम वो भी देखेंगे। लेकिन आज मैं सेट नंबर टू में आपके लिए कुछ अलग से क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसके पजल्स और इनपुट आउटपुट के अलावा, क्योंकि हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सबसे पहली कैटेगरी का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज योर सिलॉग्स। हम सिलॉजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सिलॉजिज्म के जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सिलॉजिज्म के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। मैं सिलॉग्स के क्वेश्चन में कंक्लूजन टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मेंस का एग्जामिनेशन है, तो मेंस के एग्जामिनेशन में हमें थोड़ा अच्छा लेवल चाहिए। तो मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको कंक्लूजन दे दिए जाए तीन, मतलब अगर स्टेटमेंट की जगह कंक्लूजन क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं, मतलब आपको उन कंक्लूजन को राइट ही मानना है। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सम कंक्लूजन्स फॉलोड बाय फाइव सेट स्टेटमेंट। ठीक है, सम कंक्लूजन्स फॉलोड बाय फाइव सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यू हैव टू चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट लॉजिकली सेटिस्फाई द गिवन कंक्लूजन। समझ में आ रही बात? मतलब कि आपको लॉजिकली सेटिस्फाइड मानना है इन कंक्लूजन्स को, और उन्हें लॉजिकली सेटिस्फाइड मानते हुए आपको यह पता लगाना है कि इन पांचों में से कौन सा स्टेटमेंट का सेट ऐसा है जिसके अंदर से ये सारे कंक्लूजन जो हैं, ये तीनों कंक्लूजन जो हैं, ये सही हो जाए। ठीक है, मैं कंक्लूजन देख लेता हूं, इनका डायग्राम नहीं बनाना है क्योंकि डायग्राम स्टेटमेंट का ही बनता है। कंक्लूजन मेरा कह रहा है कि सम कैट्स आर डॉग, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए स्टेटमेंट में जिससे सम कैट आर डॉग की कंडीशन सही हो जाए। और सम कैट आर डॉग को सही करना है, डेफिनेट राइट करना है, तो कैट और डॉग के बीच में यदि मैं डायरेक्ट रिलेशन देखूंगा भी, तो ये होना चाहिए तो सम का या फिर ऑल का, तभी ये सम वाला सही हो पाएगा। ठीक है, एटलीस्ट सम मतलब सम ही होता है, सम रेट आर बर्ड का मतलब भी यही सेम है कि या तो सम का होना चाहिए या फिर ऑल का। और ऐसे ही ऑल रेट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, इसके अंदर की कंडीशन ये हो सकती है या तो सम की, क्योंकि सम के केस में भी ऑल हो सकता है, या फिर हो सकती है किसके अंदर, सम नॉट की, सम नॉट के केस में भी ऑल हो सकता है। ठीक है, अपोजिट फॉर्म में, अपोजिट फॉर्म में ध्यान रखना, ऑल रेट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी सम नॉट के केस में तब हो सकता है जब हम लिखें सम कैट आर नॉट रेट। सम कैट आर नॉट रेट के केस में ऑल रेट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी राइट हो सकती है। मैं ये चीज आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला आपके पास में आपको स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट कैसा होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट का टाइप क्या होगा। ठीक है, और तीसरी चीज ये पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगेन आइदर और जैसी कुछ कंडीशन, में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपको ये पता है कि ये तीनों की तीनों जो आपके पास स्टेटमेंट दिख रहे हैं ये पॉजिटिव है, पहला और दूसरा तो डेफिनेट फॉर्म में पॉजिटिव है, और तीसरा वाला जो है ये पॉसिबिलिटी की फॉर्म में पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन तभी मिल सकता है जब स्टेटमेंट कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहला वाला यदि मैं स्टेटमेंट देखता हूं तो कोशिश करिए कि नहीं बनाना पड़े। बर्ड और डॉग के बीच में सम का रिलेशन है। देखो, डॉग और बर्ड जो है यहां पे है नहीं मेरे पास, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, और यहां पे डॉग और बर्ड के बीच में सम का रिलेशन है, और डॉग और रेड के बीच में सम का रिलेशन है, तो इसका मतलब डॉग तो बीच में आ गया और बर्ड और रेड कोने पे चले गए। ठीक है, तो कुछ बर्ड डॉग हैं और कुछ डॉग रेड हैं, तो कुछ बर्ड रेड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उसकी क्या हो सकती है? केवल पॉसिबिलिटी। इसका मतलब पहला तो मैं देखते ही गलत कर सकता हूं, क्योंकि उससे बीच वाला गलत हो गया, वो डेफिनेट फॉर्म में नहीं आएगा सम रेट आर बर्ड, क्योंकि बर्ड और रेड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहां पे इनके बीच में कोई भी कंडीशन डेफिनेट नहीं आएगी। पहला गलत, दूसरे पे आते हैं।
दूसरा हमें कह रहा है ऑल बर्ड आर रेड, ठीक है, ऑल बर्ड आर रेड अगर यहां पे मेरे पास में है तो सम बर्ड आर रेड डेफिनेटली हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन तो राइट हो रहा है इससे। ऑल रेड आर डॉग, सारे रेड डॉग हैं, अच्छा सारे रेड डॉग हैं, सारे बर्ड रेड हैं, सारे बर्ड रेड हैं और सारे रेड, सॉरी ये गलत हो गया, ऑल बर्ड आर रेड, सारे बर्ड रेड हैं एंड सम रेड आर कैट, और सम रेड क्या है, कैट है, सम रेड क्या है, कैट है, ठीक है। तो देखो रेड बीच में आ रहा है, सारे बर्ड किसके अंदर है, रेड के अंदर, और कुछ रेड क्या है, कैट है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो देखो आपको बताने के लिए बना देता हूं, सारे बर्ड किसके अंदर है, रेड के अंदर है और कुछ रेड क्या है, कैट है, ठीक है, और कोई भी डॉग रेट नहीं है, कोई भी डॉग रेट नहीं है यहाँ पे, कोई भी डॉग रेट नहीं है, ठीक है, यानी ये वाले कैट भी डॉग नहीं होंगे, ठीक है, और ये वाली बर्ड भी डॉग नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे सम कैट आर डॉग होगा क्या, यहाँ पे सम कैट आर डॉग हो सकता है क्या, तो इस वाले कंडीशन से क्या गलत हो गया, सम कैट आर डॉग की कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, तो इसका मतलब सेकेंड भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन ही डायरेक्ट नहीं बन रहा तो हम इनको जोड़ नहीं सकते। थर्ड पे आते हैं, कह रहा है ऑल बर्ड आर रेड, सारे बर्ड तो रेड है, ठीक है, और ऑल रेड आर डॉग, सारे डॉग भी रेड है, ठीक है, हम पहली वाली कंडीशन पे आते हैं, कैट और डॉग का रिलेशन बनना चाहिए, सारे रेड डॉग हैं और कोई भी डॉग कैट नहीं है। देखो इस वाले केस में कोई भी डॉग कैट नहीं है, जब कोई भी डॉग कैट नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सम कैट आर डॉग, तो कंडीशन भी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है, यहां तक मेरे सबसे बात समझ में आ रही होगी। चौथा देखो सम बर्ड आर रेड, ठीक है, सम बर्ड रेड है और सम रेड आर डॉग, सम रेड आर डॉग, ठीक है, सम रेड आर डॉग भी ठीक है, मतलब बर्ड और डॉग का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कहीं बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बर्ड और रेड का बन रहा है क्या, बर्ड और रेड का बन रहा है यहाँ पे सम का, और यहाँ पे भी सम का, मतलब सेकंड तो सही हो गया क्योंकि सम बर्ड्स आर रेड और सम रेड्स आर बर्ड एक ही बात है। सम रेड आर डॉग, तो रेड और डॉग का नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, रेड और कैट का तो बन रहा है, नो डॉग इज कैट, वापिस से वही आ गया, आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। आते हैं फिफ्थ पे, सम बर्ड आर रेड, देखो अभी क्योंकि एक ही बचा है तो इसको बना लेते हैं, सम बर्ड आर रेड, ठीक है मैंने बना लिया, सम रेड आर डॉग, ठीक है मैंने बना लिया, और लास्ट में है सम डॉग आर कैट, ये मैंने बना लिया। अब देखो चेक करो, सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, यस ये वाला पोर्शन सही हो गया, एटलीस्ट सम रेट आर बर्ड, सम रेट आर बर्ड एटलीस्ट, यस बिल्कुल सही हो गया, और ऑल रेट बींग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे रेट कैट हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनके बीच में क्या राइट होंगी, पॉसिबिलिटी राइट होंगी, जब दो चीजें एक दूसरे से लिंक नहीं होती तो उनके बीच में क्या राइट होती है, पॉसिबिलिटी राइट होती है, तो रेट और कैट के बीच में क्या राइट हो जाएगी, पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर यदि मैं देखना चाहूं तो ओनली स्टेटमेंट फाइव इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, दो मैं आपको बता रहा हूं, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप कोशिश करेंगे कि पन्ने को कम से कम गंदा करने की कोशिश करें। देखिए सम हीरोज आर जीरोज, ठीक है, सम टॉपर्स आर जोकर्स, यहां तक मुझे समझ में आ गया, दोनों में सम का इस्तेमाल किया गया, मतलब दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन है। All topper being hero is a possibility. Same condition आ गई, सारे toppers के hero होने की संभावना है। चलिए देखते हैं, सम जॉकर आर टॉपर, देखो जॉकर और टॉपर सम का रिलेशन है, मतलब सेकंड ये चीज क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, सम टॉपर आर जीरो, सम टॉपर आर जीरो, तो सम टॉपर आर जीरो है तो टॉपर और जीरो का तो वैसे भी कोई रिलेशन इसने कंक्लूजन में दिखाया नहीं है, तो इससे फर्क अभी नहीं पड़ रहा। सम जीरोज आर हीरोज, तो सम जीरोज आर हीरोज है, सम जीरोज आर हीरोज है तो सम हीरोज आर जीरोज भी तो होगा, इसका मतलब ये भी राइट, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो मेरे राइट हो चुके हैं मेरे पहले स्टेटमेंट से, ठीक है। ऑल टॉपर आर बॉटम, ऑल टॉप आर बॉटम, तो ऑल टॉप आर बॉटम, तो ऑल टॉप बीइंग हीरो है ना ये, तो ऑल टॉप आर बॉटम का तो इससे रिलेशन ही नहीं है, तो यहां पे मैं इसको जरा बना के देखता हूं क्योंकि मुझे चांसेस लग रहे हैं कि यहां सही हो सकता है। सम जोकर आर टॉप, सम टॉप आर जीरो, सम जीरो आर हीरो और ऑल टॉप आर बॉटम, समझ में आ रहा है, ऑल टॉप आर बॉटम, बात समझ में आ रही है। अब देखो पहला दूसरा तो राइट हो सकते हैं, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, ऑल टॉप बीइंग हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो टॉप और हीरो के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कोई भी रिलेशन नहीं है, और जब रिलेशन नहीं है मतलब दूर दूर है, नो का रिलेशन नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब इनके बीच में क्या राइट होगी, पॉसिबिलिटी राइट होगी टॉप और हीरो के बीच में, और सारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, टॉप और हीरो के बीच में सही होंगी, तो यहां से क्या हो गया, पहला कंक्लूजन ही इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। लेकिन हम बाकी चार भी चेक करेंगे कि बाकी चार क्यों गलत हुए। तो देखो
जब यहां सब जगह पॉजिटिव चल रहा है तो नो तो वैसे ही गलत हो, क्योंकि नो तो पॉसिबिलिटी भी नहीं दिखा सकता पॉजिटिव की, पता है ना आपको, नो आ गया मतलब पॉजिटिव होने की संभावना भी गलत है। इसमें भी नो आ गया तो यह भी वैसे ही गलत है, इसमें भी नो आ गया तो यह भी वैसे ही गलत है, ठीक है, और इसमें भी नो आ गया तो यह भी वैसे ही गलत है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में चार कंक्लूजन जो है वो गलत हो गए हैं और केवल पहला ही था जो सही हो गया, क्योंकि वो पॉजिटिव के बेसिस पे हमने देखा है। तो इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मेरे कंक्लूजन के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट राइट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, वैसे ही मैं आपको करने को दूंगा लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, इस वाले कंक्लूजन के अंदर आपके पास में दो दो के पेयर के सेट बने हुए हैं, ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट आपको लिख करके दिया हुआ है 5, कंक्लूजन यही है, लेकिन यहां पे नो का कंक्लूजन और सम का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। तो अब मैं यहां पे केवल पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे काम नहीं कर पाऊंगा कि साहब ये पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होना जरूरी है, तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। जब उसने बोला है नो रिवर कैन बी बेंगल्स, तो जब नो रिवर कैन बी बेंगल्स हो सकता है तो कैन बी मतलब क्या हो गया, कोई भी रिवर बेंगल नहीं हो सकती, मतलब नो का ही रिलेशन है ये आपके पास में। तो जब नो रिवर और बेंगल का रिलेशन है तो रिवर तो ये है हमारे पास में और बेंगल कहां जा रहा है, बेंगल यहां जा रहा है। तो देखो सम रिवर आर बीड है तो इसको छोड़ देते हैं। देखो जब इसने यहां बोल दिया कि सम रिवर आर बेंगल, तो जब पॉजिटिव रिलेशन रिवर और बेंगल में हो चुका है तो उस कंडीशन में नो का रिलेशन कैसे हो सकता है, इसका मतलब फर्स्ट गलत हो गया। ऐसे ही आपको बाकी चार भी चेक करने हैं, ठीक है, मतलब आपको यह देखना है कि जैसे मैंने केवल अभी इसको उठाया, इनमें नेगेटिव रिलेशन है और यहां पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अब बन ही नहीं सकता, ये क्या हो गया गलत, वो नो बोल रहा है और यहां पे सम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंक्लूजन तो कभी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या हो गया कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा चेक करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहला तो मैं गलत ही कर देता हूं क्योंकि पहला तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमारे पास सिलोजिज्म की कैटेगरी के क्वेश्चन थे, अब हम आते हैं जरा डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि मेंस के अंदर आपको 101% डेटा सफिशिएंसी देखने को मिलेगी, आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखने को 101% मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपकी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं रीजनिंग के और आपका एनालिटिकल टेस्ट भी हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्या कह रहा है, अच्छा डीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको पता ही होगा क्या करना होता है, आपको स्टेटमेंट दिया होता है एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में और उसके आंसर की कैटेगरी बनाई जाती है। ये तीन ऑप्शन आपको यहां दिए हुए हैं, तीन कैटेगरी दी हुई है, आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्वेश्चन है, ये हाउ मेनी ऑफ देम आर गिवन इन सेमिनार बिफोर ओ, इस क्वेश्चन का आंसर यदि पहले से ही निकल पा रहा है तो वही आंसर है, यदि दूसरे से ही निकल पा रहा है तो वही आंसर है, यदि तीसरे से ही निकल पा रहा है तो वही आंसर है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, पहले के साथ दूसरे की हेल्प लेनी पड़ रही है तो फर्स्ट एंड सेकंड सफिशिएंट टू गिव द आंसर, यदि दूसरे के साथ तीसरे की हेल्प लेनी पड़ रही है तो सेकेंड एंड थर्ड कंबाइंडली गिवन द आंसर, और यदि पहले के साथ तीसरे की हेल्प लेनी पड़ रही है तो फर्स्ट एंड थर्ड, और यदि तीनों की हेल्प लेकर के आंसर आ रहा है इसका मतलब ऑल का मतलब सभी का, ऑल स्टेटमेंट वन सेकंड थर्ड आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे हमें कॉम्बिनेशन सेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन हमें कह रहा है 6 स्टूडेंट्स वाया MNOPQR were given the seminar in the same week starting from Monday to Saturday, Monday से Saturday के बीच में ये सेमिनार देते हैं, ठीक है, और एक दिन में एक ही व्यक्ति सेमिनार देता है, ठीक है। तो मैं यहां Monday से अगर Saturday की बात करता हूं तो देखो यहां Monday हो गया आपके पास में, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और ये Sunday, ठीक है, और मेरे को संडे की जरूरत नहीं है क्योंकि मंडे से लेकर के सैटरडे तक की ही उसने केवल बात करी है। तो मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में ये 6 लोग जो हैं ये सेमिनार देते हैं एक एक दिन पे। तो उसने पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम गिव द सेमिनार बिफोर ओ, तो ओ के पहले कौन कौन सेमिनार देता है, तो ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि ओ इनमें से कहां बैठता है। पहली कंडीशन देखते हैं, पी इज गिवन द सेमिनार बिफोर देन एटलीस्ट 3 स्टूडेंट,
थ्री स्टूडेंट से बिफोर, मतलब तीन स्टूडेंट से, कम से कम तीन स्टूडेंट से पहले पी देता है। तो कम से कम तीन स्टूडेंट तो ये हो गए, इनसे पहले मतलब वेनसडे ट्यूजडे मंडे में से कहीं पी दे सकता है, इन तीनों में से कहीं पे पी दे सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा है एम वॉज गिवन द सेमिनार ऑन ट्यूजडे। ठीक है, एम ने अगर ट्यूजडे को सेमिनार दे दिया तो अब मंडे के लिए केवल दो ही जगह बचती है, या तो मंडे या फिर वेनसडे। किसके लिए? पी के लिए। पी के लिए दो ही जगह बचती है, तो मंडे या तो वेनसडे, क्योंकि ट्यूजडे के दिन कौन दे चुका है? एम दे चुका है। तो क्या मैं पहली कंडीशन से आंसर बता सकता हूं? क्योंकि अभी भी डाउटफुल है कि ये मंडे को देगा या वेनसडे को। तो केवल और केवल सिंगल फर्स्ट वाला आपको आंसर नहीं दे सकता। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है क्यू इज गिवन द सेमिनार बिफोर देन एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, कम से कम एक से पहले तो क्यू देगा ही देगा। ठीक है, एक से पहले मतलब कि या तो सैटरडे से पहले तो देगा ही देगा, बाकी कहां से कहां तक आ सकता है? वेनसडे, मंडे से लेके इन चारों में कहीं भी आ सकता है क्यू, इन चारों में क्यू कहीं भी आ सकता है। तो क्यू गिव द सेमिनार बिफोर देन एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, ओ वॉज गिवन इमीडिएट आफ्टर पी। अच्छा, ओ इमीडिएट आफ्टर आता है पी के, इसका मतलब अगर पी ऐसे है तो इमीडिएट आफ्टर ओ ऐसे आ जाएगा, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओ इमीडिएट आफ्टर आता है। अब देखो, अगर मैं पहले को हटा देता हूं, मतलब एम को यहां नहीं लिखता हूं, तो देखो पी के लिए तीन केस थे, तो पी ओ का कॉम्बिनेशन यहां भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, पी ओ का कॉम्बिनेशन नीचे भी आ सकता था, तो वो डाउटफुल हो जाएगा। इसलिए मुझे पहली कंडीशन तो 100% चाहिए, ताकि ये ट्यूजडे वाला केस हट जाए। अब मेरे को क्लियर हो गया कि पी जो है वो मंडे को नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मंडे को आता तो ओ को सेकेंड नंबर ट्यूजडे पे आना पड़ता, जो कि आ नहीं सकता। इसका मतलब पी कहां आएगा? वेनसडे को, और ओ कहां आएगा? थर्सडे को। और मुझे यही तो चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है कि ओ से पहले कितने दे रहे हैं, तो ओ से पहले तीन दे रहे हैं। मेरे को मेरा आंसर मिल गया, मतलब केवल पहले और दूसरे का इस्तेमाल करके ही मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशियंट टू गिव द आंसर। ठीक है, हम यही नहीं रुकेंगे, आगे भी करेंगे। देखो तीसरा वाला पढ़ते क्या कह रहा है। एटलीस्ट फोर पर्सन वर गिव द सेमिनार आफ्टर एन। कम से कम चार, तो एक दो तीन चार एन की कंडीशन है। पहले के साथ में यदि मैं तीसरे को लेता तो ओ और पी तो मुझे नहीं पता थे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे से ही पता लगते, लेकिन हाँ इतना पता लग जाता कि एटलीस्ट फोर, तो एक दो तीन चार, तो एन यहां आ जाता। लेकिन उससे क्या मुझे ओ पता लग पाता? पता ही नहीं लग पाता। और जब तक मुझे ओ नहीं पता लगता, तब तक मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ओ पे बेस है। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फाइव हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव हमें कह रहा है कि सिक्स एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज है आपके सामने लिखी हुई हैं, आर परफॉर्म इन अ वीक, एक वीक में, कहां से कहां तक स्टार्ट होकर के? मंडे से लेकर के संडे तक। ठीक है, वन एक्टिविटी ऑन वन डे। ठीक है, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो आगे क्या कह रहा है। ऑन वन डे ऑफ द वीक नो एक्टिविटीज परफॉर्म। ठीक है, किसी एक दिन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। Which day of the week is no activity? तो आपको वो दिन बताना है कि किस दिन वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है। यहां तक क्लियर हो गया? अब बस वही सेम काम करना है आपको। आपको मंडे से लेकर के कहां तक चलना है? मंडे से लेकर संडे तक चलना है, और हमें ये नहीं पता कि हमारे पास में कौन सा वाला ऑफ डे है। तो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेज हमारे पास में आ गए। अब देखिए चेक करते हैं कौन सा डे है जिसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए, सबसे पहले कह रहा है ड्रॉइंग परफॉर्मेंस जो हो रही है हमारे पास में, उसमें क्या बोला है? ऑन वन डे ऑफ द डे आफ्टर वेनसडे बट नॉट ऑन संडे। ड्रॉइंग का परफॉर्मेंस वेनसडे के तो बाद है, लेकिन संडे को नहीं है। मतलब ड्रॉइंग कब से कब तक है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अगर मैं यहां लिखूं कि डांसिंग बोल रहा है ना, तो डांसिंग कब परफॉर्म होगी? डांसिंग परफॉर्म होगी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में से किसी एक दिन। आगे चलते हैं। वन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बिटवीन डांसिंग एंड ड्रॉइंग। डांसिंग और ड्रॉइंग के बीच में एक एक्टिविटी। अब डांसिंग कहां आता है ये डिपेंड करता है, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं कि डांसिंग और ड्रॉइंग के बीच में एक एक्टिविटी ऑलरेडी है हमारे पास में। ठीक है, डांसिंग और ड्रॉइंग के बीच में एक एक्टिविटी है, कौन सी है पता नहीं है। बट ड्रॉइंग इज नॉट परफॉर्म ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, लास्ट डे कब नहीं होगा? जब आपके पास में
डांसिंग जो है वो फ्राइडे को ना हो, तो डांसिंग फ्राइडे को नहीं है, वो थर्सडे या सैटरडे को है। अगर सैटरडे को होती है तो उस कंडीशन के अंदर थर्सडे को चला जाएगा, और यदि फ्राइडे ओ सैटरडे को होती है तो थर्सडे को चला जाएगा, और थर्सडे को होती है तो सैटरडे को आ जाएगा। एक कॉम्बिनेशन तो ये बन जाएगा, ठीक है, सैटरडे के केस में। थर्सडे के केस में ट्यूसडे में भी जा सकता है और सैटरडे में, लेकिन उसने कहा है कि वेनसडे के बाद है। तो देखो, अगर आप थर्सडे और सैटरडे का बंच लेते हो तो यही बन पाएगा, थर्सडे और सैटरडे। और अगर आप फ्राइडे लेते हो तो वेनसडे पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वेनसडे के बाद में है और संडे पे आ नहीं सकता, ठीक है। तो फ्राइडे पे लेते हैं यदि हम, तो आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास में बोला गया है वन एक्टिविटी परफॉर्म बिटवीन डांसिंग एंड ड्रॉइंग, बट ड्रॉइंग इज नॉट परफॉर्म एट द लास्ट डेट। लास्ट डेट पे नहीं है तो फ्राइडे के ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं आ सकता, तो फ्राइडे है नहीं। तो अब कहाँ हो गया, ये फिक्स हो गया हमारे पास में, डांसिंग और ड्रॉइंग। तो डांसिंग और ड्रॉइंग, और यहां पे भी क्या आ गया, डांसिंग और ड्रॉइंग। ये क्लियर होगी बात, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि टू एक्टिविटीज आर परफॉर्म बिटवीन ड्रॉइंग एंड स्केटिंग। तो स्केटिंग और ड्रॉइंग के बीच में दो एक्टिविटी है, तो मैं ड्रॉइंग को अगर यहां लेता हूं तो एक और दो स्केटिंग, ड्रॉइंग को यदि यहां लेता हूं एक और दो स्केटिंग, एक और दो स्केटिंग, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। मतलब अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, इस वाली कंडीशन को थोड़ा सा हमें अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मतलब केवल पहले से मैं आंसर नहीं निकाल सकता कि नो एक्टिविटी का डे कौन सा है। दूसरा करते हैं, दूसरा कह रहा है कि संडे इज नॉट द डे व्हेन नो एक्टिविटी इज परफॉर्म। ये तो हमें क्लियर हो ही गया कि संडे नहीं है वो, ठीक है। एंड पेंटिंग इज नॉट परफॉर्म ऑन संडे, और पेंटिंग संडे को नहीं होती। तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं कि पेंटिंग कब नहीं होती, तो साहब पेंटिंग संडे को नहीं होती है, संडे को पेंटिंग नहीं होती है, ठीक है। और ड्रॉइंग इज परफॉर्म्ड बिफोर स्केटिंग, अच्छा ड्रॉइंग स्केटिंग के पहले परफॉर्म होती, क्लियर हो गई बात। ड्राइंग अगर स्केटिंग के पहले परफॉर्म होती है तो पहले और दूसरे को मिलाना पड़ेगा आंसर लाना है। तो ड्राइंग अगर स्केटिंग के पहले परफॉर्म होती है तो यहां पे आपको ड्राइंग लिखना पड़ेगा, और यहां पे आपको ड्राइंग स्केटिंग के पहले, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डांसिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि डांसिंग का और उसका रिलेशन था। ड्राइंग और स्केटिंग की यदि मैं बात करता हूं तो टू डेज एक्टिविटी आर परफॉर्म बिटवीन ड्राइंग एंड स्केटिंग, और ड्राइंग स्केटिंग के ऊपर है, तो स्केटिंग के ऊपर कुछ ऐसे बनेगा कि ये स्केटिंग आ गया, सॉरी ये ड्राइंग आ गया, और दो के गैप से ये क्या आ गया, स्केटिंग आ गया, ठीक है। इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ड्राइंग अगर यहां है तो दो के गैप से स्केटिंग नीचे भी आ सकता है, और अगर ड्राइंग यहां होता है तो एक दो के गैप से वेनसडे पे भी जा सकता है, कौन, स्केटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अब यहां से मैं एक चीज उठा लेता हूं, मैंने अगर ये वाला फॉर्म उठा लिया है तो ड्राइंग के केस में अब ड्राइंग से नीचे स्केटिंग है, तो एक दो संडे को, तो संडे को नो डे नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्केटिंग आ सकता है, मैं ये मान के चल लेता हूँ, ठीक है। एक बार बाद में चेंज कर लूंगा अगर कोई दिक्कत आएगी तो, ठीक है। आगे चलते हैं। टू एक्टिविटीज आर परफॉर्म बिटवीन पेंटिंग एंड हॉलीडे, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटिंग अभी हमें पता नहीं है पेंटिंग कहाँ है, तो पेंटिंग और हॉलीडे के बीच में दो एक्टिविटी है, और पेंटिंग बोला है कि संडे को परफॉर्म नहीं होती, तो पेंटिंग संडे को वैसे ही परफॉर्म नहीं हो रही है। तो थर्ड की जरूरत पड़ने वाली है हमें, थर्ड देखते हैं। एरोबिक्स इज परफॉर्म बिफोर हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे से पहले एरोबिक्स है। देर आर 3 डे गैप बिटवीन हॉलीडे एंड सिंगिंग, हॉलीडे और सिंगिंग के बीच में 3 दिन का गैप है हमारे पास में। अब हॉलीडे और सिंगिंग के बीच में 3 दिन का गैप है, तो इसको कुछ इस तरीके से बना लो, हॉलीडे, देखो अब हॉलीडे और सिंगिंग के बीच में 3 दिन का है, और एरोबिक्स हॉलीडे से पहले परफॉर्म हो रही है, तो अगर मैं ये केस बनाता हूं, इस केस में 1 2 3 4 5 हो गए, तो इसका मतलब अगर मैं यहां रखता हूं हॉलीडे को 1 2 3, तो यहां पे कौन आ जाएगा, सिंगिंग, और हॉलीडे से पहले और अरबिक, तो मंडे को तो हॉलीडे नहीं आ पाएगा। ट्यूसडे को यदि मैं हॉलीडे रखता हूं तो 1 2 3 यहां पे आपके पास सिंगिंग नहीं आ पाएगा, अगर यहां हॉलीडे रखता हूं तो 1 2 3 यहां पे आपके पास स्केटिंग नहीं आ पाएगा। तो ये वाली फॉर्म तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, नीचे जा नहीं सकता। अगर इसका रिवर्स कर दें हम, इसका रिवर्स मतलब हॉलीडे नीचे और सिंगिंग ऊपर कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा, सिंगिंग 1 2 3 और ये हॉलीडे। तो अगर मैं सिंगिंग को यहां रखता हूं तो 3 के गैप से यहां हॉलीडे आ जाएगा, हो सकता है। यहां सिंगिंग को रखता हूं तो 3 के गैप से नहीं आएगा, और यहां सिंगिंग को रखता हूं तो 3 के गैप से नहीं आएगा। तो केवल एक केस इसमें बनेगा कि यहां पे अगर मैं सिंगिंग रखता हूं तो 3 के गैप से, सॉरी यहां पे अगर मैं सिंगिंग रखता हूं तो 1 2 3 के गैप से यहां फ्राइडे को हॉलीडे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्लियर हो गई, स्केटिंग और ड्राइंग की कंडीशन क्लियर हो गई। एरोबिक्स हॉलीडे से पहले परफॉर्म हो रहा है, तो एरोबिक्स हॉलीडे से पहले 2 जगह वेनसडे और ट्यूसडे को परफॉर्म हो सकता है, ये हमारे पास में है, ठीक है। अब 3 दिन का गैप हमारे पास में आ गया है, एक हमारे पास कंडीशन बची है, कौन सी, कि संडे इज नॉट द डे व्हेन नो एक्टिविटी इज परफॉर्म एंड पेंटिंग इज परफॉर्म्ड नॉट परफॉर्म ऑन संडे। पेंटिंग संडे को परफॉर्म नहीं होती, तो पेंटिंग कब परफॉर्म हो सकती है, या तो ट्यूसडे को या फिर
वेनसडे को परफॉर्म हो सकती है क्या हमारे पास में पेंटिंग? ठीक है, तो पेंटिंग के लिए कंडीशन लिख लेते हैं हम, पेंटिंग के लिए लिख लेते हैं या तो ट्यूसडे या फिर वेनसडे। इसी तरीके से मेरे पास में वो आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, विच डे इज द एक्टिविटी नो हॉलीडे परफॉर्म। अब यहां पे कुछ भी आता रहे मेरे पास में ट्यूसडे वेनसडे को, मुझे सब कुछ तो मिल गया ना। ट्यूसडे वेनसडे को कुछ भी आता रहे, पेंटिंग आ जाए चाहे आपके पास में कौन आ जाए, जो भी एक बचा हुआ है उन दोनों का बंच में से कोई भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसने मुझसे क्या पूछा है कि होलीडे से होलीडे किस दिन है, तो होलीडे भैया फ्राइडे को है। ठीक है, तो आपको पूरी पजल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल और केवल ये बनाना पड़ेगा कि जो आपसे पूछा है वो आपको मिल गया क्या। तो विच डे ऑफ द वीक नो एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड, आंसर आ जाएगा फ्राइडे। लेकिन आंसर फ्राइडे कब आएगा, जब आपके पास में तीनों कंडीशन साथ में होंगी। इसका मतलब आंसर आ जाएगा इफ ऑल द स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। बात क्लियर हो रही है यहां तक? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। आपने एक पजल भी सॉल्व कर ली है और साथ ही साथ आपने आप डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन भी कर लिया है। यही खासियत होती है डाटा सफिशिएंसी की, इसलिए हम डाटा सफिशिएंसी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूं इसीलिए, तो छठा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। यहां पे भी आपके पास एक पजल ही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सिक्स मेंबर ऑफ अ फैमिली आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन। आपको यह बताना है कि हु इज स्टैंडिंग बिटवीन जेड एंड बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से और आंसर निकाल के मुझे बताना। ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसलिए ये मत कहना कि सर ये तो इजी था हमने कर लिया। नॉर्मल ही क्वेश्चन है, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन ही दे रहा हूं। चलिए आगे आते हैं हम। तो नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम आ गए हैं थर्ड कैटेगरी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पे। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म है और एग्जाम में यही फॉर्म देखने को मिल सकता है। क्योंकि ब्लड रिलेशन इजी तो नहीं देगा एग्जामिनर आपको कभी भी। ठीक है, क्योंकि मेंस का पेपर है, तो यहां पे ध्यान रखिए कि ब्लड रिलेशन के अंदर यदि कोडिंग फॉर्म है तो अब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। इसके भी टोटल चार क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो चार में से दो या तीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप करोगे, दो ही कराऊंगा मैं आपको। देखो यहां पे क्या बोला है, इन कोड्स का मतलब क्या है। तो जब भी आपको ब्लड रिलेशन का मतलब निकालना हो तो उनके मतलब को लिख लो। चाइल्ड है, पेरेंट्स है, एल्डर है, यंगर है, ब्रदर है, वाइफ है और सिस्टर इन लॉ है। टोटल सात रिलेशन है। अच्छा, पी इज द चाइल्ड ऑफ क्यू, पी इज द पेरेंट ऑफ क्यू। इसको यदि मैं बनाने की कोशिश करूं तो क्या मैं बना सकता हूं? तो कोडेड फॉर्म को एक बार बना लो ताकि मेरे को एक रिलेशन समझ में आ जाए। तो ये रिलेशन जो है केवल P और Q का चल रहा है, तो अलग अलग है, हम नहीं बना पाएंगे। अगर ये अलग अलग लोगों का होता तो हम बना देते, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है अलग अलग लोगों का रिलेशन। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है। तो देखो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट सिंबल के मतलब लिख सकता हूं कि इसका मतलब होगा चाइल्ड, फर्स्ट सेकेंड का चाइल्ड। इसका मतलब होगा पेरेंट, फर्स्ट सेकेंड का पेरेंट। इसका मतलब होगा, ये आपको कॉपी में उतारना ताकि बार बार चार्ट को ना देखना पड़े, एल्डर। हैश का मतलब हो जाएगा यंगर, छोटा भाई या छोटा छोटी बहन, जो भी आप कहना चाहो। एट द रेट का मतलब हो जाएगा भाई, ये नहीं पता कौन सा बड़ा या छोटा, वो ऊपर के दो बताएंगे। एंड द इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में पत्नी, वाइफ। और इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में सिस्टर इन लॉ। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन। देखो ये क्वेश्चन दिया है, इफ दिस देन हाउ इज जे रिलेटेड टू ए। तो ये बताइए कि जे ए से कैसे रिलेट करेगा। जे का रिलेशन बताना है ए के साथ। ठीक है, जे कहां है, ये रहा। तो जे का ए के साथ रिलेशन मुझे इतने में मिल जाएगा, तो मुझे थोड़ा इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि जे और ए का रिलेशन तभी पता लगेगा जब मुझे जे का और ए का जेंडर पता लग जाए। इनका जेंडर अगर मुझे पता लग गया ना, तो मैं बता दूंगा कि इनका रिलेशन क्या है। ठीक है, जेंडर के साथ साथ रिलेशन भी होता है। यहां देखो जी, अब जी का आपके साथ क्या एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है ए के साथ। एक्सक्लेमेटरी मतलब पेरेंट, मतलब क्या हुआ कि जी जो है वो पेरेंट है किसका, ए का। अब वो फादर है या मदर ये मुझे नहीं पता, जी इज द पेरेंट ऑफ ए। ठीक है, और ए के बाद लिखा हुआ है ये साइन लगा करके, पावर का साइन लगा के लिखा हुआ चाइल्ड की, ए चाइल्ड है टी का। ए टी का चाइल्ड कब बनेगा, जब यहां पे जी के साथ उसका रिलेशन हो। तो ये समझ में आ गया, जी ए टी समझ में आ गया। और टी प्लस जे, तो टी प्लस जे, तो प्लस का मतलब है मेरे पास में सिस्टर इन लॉ। तो टी जो है वो जे की सिस्टर इन लॉ है, टी जे की सिस्टर इन लॉ है। तो टी जे की सिस्टर इन लॉ तब बनेगी जब जे जी का भाई हो जाए या बहन कुछ भी हो जाए। तो टी जे की सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब टी तो फीमेल है,
तो इसका हस्बैंड क्या हो गया, मेल हो गया, यहां तक समझ में आ गया मुझे? ठीक है, अब आपको यह बताना है कि हाउ इज जे रिलेटेड टू, आपको जे का जेंडर पता है कि जो आप बता दो कि जे ए का कौन लगता है, तो उसके लिए थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। जे एंड ओ, एंड का मतलब वाइफ, तो जे जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, ओ की वाइफ है, तो ये यहां से मैंने ओ निकाल लिया। अब मैं बता सकता हूं कि जे इज द आंट ऑफ ए, जे इज द आंट ऑफ ए, बात समझ में आ गई। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ ए, अब देखो यहां पे अगर मैं करना चाहूं क्वेश्चन, तो कंडीशन मेरे पास ऊपर लिखी हुई है, तो मैं कंडीशन को कोई दिक्कत नहीं है। ए ए के साथ रिलेशन मुझे दिया हुआ है, तो जब ए के साथ मुझे ये रिलेशन दिया हुआ है, मैं इसको नीचे उतार लेता हूं एक बार। पावर की फॉर्म है हमारे पास में, पावर का मतलब क्या था, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या था, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास में था इस एट द रेट, तो यहां पे आ गया स्टार हैश और एट द रेट, ठीक है। उसके अलावा दो और थे हमारे पास में, दो और में कौन कौन आ गया आपके पास में, एक तो एंड आ गया, एक तो एंड आ गया और एक प्लस आ गया, ठीक है। इनके मतलब देख लेते हैं, एंड का मतलब वाइफ था, प्लस का मतलब सिस्टर इन लॉ था, ठीक है, इसका मतलब चाइल्ड था, इसका मतलब पेरेंट था, ठीक है, इसका मतलब एल्डर था और इसका मतलब यंगर, ठीक है, क्या हुआ है, यंगर के बाद ब्रदर, ठीक है, एक था ब्रदर। अब समझ में आ रही है बात। अब देखो यहां पे अब मैं अगर क्वेश्चन को देखूंगा तो यहां लिखा हुआ है ए, ए के पेरेंट है, मतलब अब बताना क्या है, इस पूरे को नहीं बनाना मुझे। एंड जी, अब देखो यहां तक दे दिया मुझे, ये तो पूरा रिलेशन कोडिंग फॉर्म में दे ही दिया है, आगे देखो, और जी इज द वाइफ ऑफ एच लिख दिया है, तो बताना है हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, तो जी फीमेल है ये तो मुझे पता लग गया, माइनस लगा दूं, एच प्लस है तो इसको प्लस कर देते हैं। जी का सी से रिलेशन बताना है, तो जी का सी से मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो सी प्लस, सी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब फीमेल हो गई, सिस्टर इन लॉ यानी इसका कोई हस्बैंड है, सिस्टर इन लॉ मतलब यहां पे कोई होगा जिसका ये हस्बैंड की बात चल रही है, ठीक है। सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ये डी हो गया आपके पास में, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। डी एंड, एंड का मतलब हो गया वाइफ, डी वाइफ है मतलब फीमेल हो गई, डी इज दी वाइफ ऑफ किसी भी पर्टिकुलर की, ठीक है, डी इज वाइफ ऑफ ई, ई आ गया हमारे पास में। ई एट द रेट, एट द रेट मतलब ब्रदर, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, अब देखो ई ब्रदर ऑफ एफ है, तो ई यदि ब्रदर ऑफ एफ है मेरे पास में, तो मैं इस तरीके से बना देता हूं, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, एफ पावर, अब ई और एफ दोनों भाई भाई हैं, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो ये मेल है फीमेल है नहीं पता, लेकिन यहां पे ये दोनों ही चाइल्ड हैं, ये दोनों ही चाइल्ड है, क्योंकि बोला है ना एफ इज द चाइल्ड ऑफ, इसका मतलब चाइल्ड होता है, एफ इज चाइल्ड ऑफ जी, तो ये दोनों ही चाइल्ड हुए जी के, ठीक है। और देखो जी बताई दिया है आपको कि जी फीमेल है और इसका हस्बैंड एच है जो कि यहां पे है, यहां तक बात समझ में आ गई, ये पूरे हो गए हमारे पास में। देन हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, तो उसने पूछा है कि देन हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, तो जी यहां पे है, सी यहां पे है, तो अगर आप देखोगे तो जी माता है ई की, ई पत्नी, ई पति है डी का, और डी जो है वो बहन है इस पर्टिकुलर की, ठीक है, और सी के केस में आपके पास क्या आ रहा है, आगे आ रहा है ये सी। अब अगर आप देखोगे तो ये वाइफ हो गई इसकी, इसकी सिस्टर इन लॉ हो गई, इसकी भी सिस्टर इन लॉ हो गई, और इसके पिताजी की ये कौन हो गई, डॉटर इन लॉ, कौन हो गई, डॉटर इन लॉ। रिलेशन दूर का है लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। मैं फिर से बता देता हूं, यहां तक का केस तो क्लियर हो गया होगा जो हमने बनाया है, कि सी इसकी डी की सिस्टर इन लॉ है, अभी अभी हमने निकाला, डी इसकी पत्नी है तो ये सी ई की भी सिस्टर इन लॉ हो गई, और इसकी ये माता है तो डी ई की डॉटर इन लॉ हो गई, लॉ के अकॉर्डिंग इनका रिलेशन चल रहा है, तो एक बेटी जैसा रिलेशन हो जाएगा। आगे आ जाएं, तो आगे देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कंडीशन दे दी है, ठीक है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक रिलेशन और दे दिया है इसके अंदर, रिलेशन क्या दे दिया है, चलो इसको आप करना, नीचे वाले में एज दी हुई है, ये मैं करके बता देता हूं, ठीक है, ये आपके पास में स्टार फॉर्म में दिया हुआ है पूरा, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, एज ऑफ क्यू इज दिस एंड द एज ऑफ टी इज दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सो व्हाट कैन बी द एज ऑफ पी, क्या हो सकती है पी की एज, चलो निकालते हैं, पी की एज निकालनी है तो पी स्टार है, तो अगर पी के साथ स्टार, पी बड़ा है, पी बड़ा है क्यू से, ठीक है, पी क्यू से बड़ा है, ये हम रख लेते हैं, पी इज एल्डर देन क्यू, यही मतलब था भी, तो पी इज एल्डर देन क्यू, ठीक है।
और क्यू पावर, पावर भी अभी हमने देखा चाइल्ड होता है, पावर का मतलब अभी अभी हमने देखा चाइल्ड होता है, तो क्यू इज द चाइल्ड ऑफ आर, क्यू इज द चाइल्ड ऑफ आर। और थोड़ी देर के मान लेते हैं कि पी यदि क्यू से बड़ा है तो भाई है, लेकिन बड़ा भाई है, ठीक है। आगे चलते हैं, भाई है बहन जो भी है। और आर एट द रेट, एट द रेट का मतलब है भाई, आर भाई है किसका, तो आर की पहले तो कोई पत्नी भी होगी, उसको छोड़ देते हैं, आर भाई है किसका मुझे नहीं पता, तो आर एट द रेट एस है ना, तो आर भाई है किसका, एस का। और एस हैश, हैश का मतलब यंगर, एस छोटा है किससे, टी से, तो टी से छोटा है एस, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, इसको एल्डर कर देते हैं, टी एल्डर, पी एल्डर, ठीक है। और एस के टी के बाद में टी स्टार, स्टार का मतलब एल्डर, टी एल्डर है किससे, पी से, तो एस हैश, एस यंगर था टी से, और टी भी एल्डर है किससे, पी से, टी पी से भी एल्डर है, देखो ये पी आ गया, इससे भी बड़ा है, तो ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, तो ये एक रिलेशन बन गया। हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है कि ये साथ में आ रहे हैं कि ऊपर आ रहे हैं, उसने सिंपली ये कहा है कि क्यू जो है वो 22 साल का है, ठीक है, और क्यू से बड़ा पी है, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, टी 33 साल का है, और टी भी पी से बड़ा है, टी पी से बड़ा है, और क्यू से भी बड़ा है, टी जो है ऐसे आएगा, ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी, समझ में आ रहा है कि टी पी से बड़ा है और पी क्यू से बड़ा है, क्यू 22 साल का है, टी 33 साल का है, तो 33 और 22 के बीच का आंसर बन जाएगा, 33 और 22 के बीच का ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर आ जाएगा थर्ड। बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं शांत दिमाग से खुद से सॉल्व करूंगा तो बहुत इजीली मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, मैं का मतलब हो गया हम सब, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पास में कोडिंग के इनइक्वालिटी में भी आ जाते हैं, ठीक है, और ब्लड रिलेशन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में इससे थोड़ा सा रीजन टिपिकल हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको, तो आज के सेशन में इतना ही, अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और इसमें कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि जो भी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं क्या वो सही है, क्या आप उससे खुश हैं, अगर नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर थोड़ा सा और, ठीक है, मैं और भी कोशिश करूंगा, वैसे जैसे जैसे मैं सेट लाऊंगा मैं थोड़े से टिपिकल उन्हें करता जाऊंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के तरीके में अगर आपको लगता हो कि सर आप थोड़ा फास्ट जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटोर को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।